नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी के मन की बात में आया हरियाणा का जिक्र। पीएम ने की 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ, बताई कहानी। आप पार्टी की हरियाणा में रैलियों पर वित्त मंत्री का कटाक्ष, कहा आप पार्टी हरियाणा में नहीं तिहाड़ जेल में बढ़ रही। कुमारी शैलजा ने आज बरवाला में निकाली पदयात्रा, जनसंदेश यात्रा में शैलजा ने फूका बिगुल, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने घेरी बीजेपी। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 112वां कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है। पीएम ने कहा कि रोहतक की 250 से अधिक महिलाएं 29 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली रोहतक की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, ये लाखों रुपए कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि इनके बनाए कपड़ों की बाजारों में भारी मांग है। उन्होंने रंगों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे रंगों ने इन महिलाओं के जीवन में रंग भर दिया है। पीएम मोदी के इन शब्दों से हरियाणा की महिलाओं को और मजबूती मिली है। एक बार फिर से हरियाणा वासियों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। आज पेरिस ओलंपिक में इवेंट्स का दूसरा दिन है, ऐसे में आज भारत के पदकों का खाता भी खुल गया है, क्योंकि शूटिंग में हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता है। बता दें कि यह इस पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के पदक का खाता खोल दिया है। इस स्पर्धा का स्वर्ण रजत पदक दक्षिण कोरिया की 2 एथलेटिक्स ने जीता है और हरियाणा की मनु भाकर के कांस्य जीतने पर पीएम मोदी, सीएम सैनी सहित तमाम नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आम आदमी पार्टी की हरियाणा में रैलियों के जारी शेड्यूल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप पार्टी की हरियाणा में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने जो जनता से धोखा किया है उसी का परिणाम है कि आप पार्टी के बड़े नेता जेल की सलाखों में जा रहे हैं। और वहीं सुनीता केजरीवाल पर हरियाणा में सहानुभूति लेने असफल प्रयास है और पंजाब ने हरियाणा को SYL का पानी देने से मना करने के बाद हरियाणा में आप खत्म हो गई है। मंत्री JP दलाल पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आप पार्टी सहित विपक्षियों पर सीधे जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी बजट पर कहा कि यह बजट प्रत्येक वर्ग के विकास का बजट है। हरियाणा को बजट में बहुत कुछ मिला है। वहीं बजट पर विपक्षियों द्वारा हरियाणा के लिए कोई सौगात नहीं देने पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों को चश्मा बदलने की जरूरत है, तभी उनको हरियाणा का विकास दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी की जिस तरह गतिविधियां बढ़ी है, सुनीता केजरीवाल भी आई है इसमें, भगवत मान भी हरियाणा में जो रैलियां कर रहे हैं आगामी दिनों, वो किस रूप में देखते हैं? मैं तो समझता हूँ आम आदमी पार्टी की गतिविधियाँ तिहाड़ जेल में बढ़ रही है, वहाँ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वो सिसोदिया जी गए, फिर उनके एक मंत्री और चले गए, अब एक केजरीवाल जी भी चले गए, और सुनीता जी की कोशिश ये है कि वो सहानुभूति प्राप्त करें किसी तरह से, लेकिन ये न्यायालय का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। जब से उन्होंने कहा है, पंजाब की सरकार उनकी बनी और उन्होंने कहा है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री रोजाना घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हरियाणा का जो खजाना है वो भरा हुआ है कि जो घोषणाएं पूरी हो सकती? मैं खजाना मंत्री के तौर पर ये कहता हूँ कि जो हमारी घोषणा होती है वो निश्चित तौर पर पहले खजाने से पास होगी होती है, और हरियाणा के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त धन है। जो हम घोषणाएं करते हैं वो पूरी 100% लागू भी करेंगे।
कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने लोकसभा चुनावों में 400 प्लस सीटों की योजना को फेल कर दिया है। अब आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा से भगवा पार्टी की विदाई का समय है। हरियाणा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि 2014 में बीजेपी को राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 2019 में जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया था। इसके बाद बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आ गई। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, प्रदेश में हवा का रुख बदल गया है। कठिन परिस्थितियों में बीजेपी को अपना सीएम बदलना पड़ा, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा से बाहर हो जाएगी। बता दें कि कांग्रेस से हिसार की सांसद कुमारी शैलजा इन दिनों प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा चला रही हैं। उन्होंने यह यात्रा 27 जुलाई को अम्बाला से शुरू की है। आज उनकी यह यात्रा बरवाला पहुंची, जहां उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया। इस पद यात्रा के जरिए कांग्रेस अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शहरी मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किया और फिर उन्होंने मणिपुर से लेकर आगे महाराष्ट्र तक किया। वो संदेश लेकर हम लोगों के बीच में गए। जनवरी में हमने शुरुआत की और तब भी हमने कहा था लोकसभा चुनाव तक करके उसके बाद हम विधानसभा चुनाव में फिर शुरू करेंगे लोकसभा के बाद। तो फिर से ये शुरुआत हो रही है। लोग जागरूक हैं, उनको उनके पास हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के दिन अहमियत रखते हैं स्थानीय और राज्य के मुद्दे हमने उठाने हैं। आज के दिन आपने देखा कि 10 साल जो सरकार है शासन नहीं कुशासन, और इसी कारण आज जनता के जन जन के बच्चे बच्चे की जबान पर है कि ये कुशासन बदलना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। आज हम अम्बाला से शुरुआत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने सडोरा में चुनाव से पहले 5 गारंटियों का वादा किया, जिसमें स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार और शिक्षा फ्री देने का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी आने के बाद हिंदुस्तान में यह एक रोल मॉडल बन गया है, इसी तरह सडोरा में 5 गारंटी के साथ हम सरकार लाकर सडोरा का विकास करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सडोरा की जनता अब पुरानी सरकारों से उब चुकी है, वह बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी आपकी सरकार को मौका दें। कैथल में रूस यूक्रेन युद्ध लापता चल रहे गांव मटोर के करीब 4 महीने बाद मौत की खबर मिली है और दूतावास ने ईमेल के जरिए शव की पहचान पुख्ता करने के लिए रवि की माता के डीएनए की रिपोर्ट मांगी, जबकि वे दुनिया में ही नहीं हैं। पिता के बेहद बीमार होने की स्थिति में बड़े भाई अजय अपनी डीएनए रिपोर्ट भेजेंगे। उन्होंने भारतीय दूतावास मॉस्को रूस को पत्र लिखा है। इसका जवाब मिलने के बाद ही शव को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। 13 जनवरी 2024 को रोजगार की तलाश में उसका भाई रवि गांव के अन्य 6 युवाओं के साथ रूस गया था। वहां एजेंट ने उसे वाहन चालक की नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन रवि को युद्ध में झोंक दिया गया। अंतिम बार 12 मार्च को उसका रवि से संपर्क हुआ, तब उसने बताया कि 6 मार्च से उन्हें लड़ाई में उतारा गया है। अब दोबारा उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा और उसके बाद से रवि निरंतर लापता चल रहा था। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन कावड़ियों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। फरीदाबाद में कावड़ियों से भरी गाड़ी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे उनमें सवार 14 कावड़िये झुलस गए। उस झुलसे कावड़ियों को नजदीक अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय नितिन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब गति गांव से सटे नवादा में कावड़ी डाक कावड़ लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। घायलों ने बताया कि जैसे उनका कैंटर नवादा स्थित शिव कॉलेज के पास पहुंचा, तो उसी दौरान उनका कैंटर 11,000 हाई वोल्टेज की बिजली की तारों की चपेट में आ गया। कैंटर में सवार लगभग 14 कावड़िये बुरी तरह झुलस गए और कई तो कैंटर से नीचे गिर गए। सिरसा के डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोया में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर और गले पर सबलों से वार करके बड़ी ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी सीधा डबवाली सदर थाना में पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। उसके साथ में खून से सना सबल देखकर पुलिस कर्मचारी भी हैरान रह गए। आरोपी ने पुलिस के सामने ही कह दिया कि वह अपनी पत्नी का कत्ल करके आया है। फिलहाल डबवाली सदर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद महिला के शव को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक करामपुरा बिश्नोया के रहने वाले रंजीत उर्फ बबलू ने किसी वाहन की किस्त ली हुई थी और वह किस्त पूरी नहीं कर पा रहा था, और उसको लेकर उसका और उसकी पत्नी ममता के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस बार भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में आग बबूला रंजीत उर्फ बबलू ने
घर में पड़े सब्बल से अपनी पत्नी के सिर पर वार करने शुरू कर दिए। उसने अपनी पत्नी के गले पर भी सब्बल से वार किए, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल के बाहर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमें अपना एम्प्लॉय नहीं मानती है। प्रदर्शनकारी ने बताया कि एनएचएम के 14,000 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले 27 सालों से नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं और आज तक सरकार द्वारा उन्हें पक्का नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार उन्हें पक्का नहीं करती, तब तक वह सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं पहले तो किसी भी प्रकार को किसी भी नागरिक को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू रूप से चलती रहें और जायज मांगों पर हमारी पर सुनवाई हो। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भी सरकार हमारे कार्य अनुसार पूर्ण अधिकार दिए जाएं, कच्चे पक्के का भेदभाव छोड़ के हमारी को समान दृष्टिकोण से देखते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लगातार हमारी 3 दिन से हड़ताल चल रही है और ये अगर 23 जुलाई तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये हमारी हड़ताल है जो अनिश्चितकाल तक भी चल सकती है। कितनी सर्विस हो चुकी है आपकी, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हैं? हमारे एनएचएम को सर्विस में लगे हुए पहले आरसीएच का प्रोजेक्ट आया था 98 से, लगातार 27 सालों से कभी एनएचएम को एनयूएचएम में किया है, एनएचएम में किया है, प्रोजेक्ट के नाम बदलते रहे हैं। लेकिन सरकार ने कभी पॉलिसी 2 बार बनाई गई है, वो डच सरकार के टाइम भी बनाई गई थी, बीजेपी सरकार के टाइम भी। लेकिन बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है भी हमारी एनएचएम को उस कैटेगरी को उसमें शामिल नहीं किया गया। और जो रूट लेवल से लेके हैं, सरकार ने कोरोना योद्धा का हमें नाम दिया था, हम अपने परिवार की चिंता न करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश को हमने बचाने का काम किया था। सरकार से हमारी यही विनती है, हमारी जायज मांगों को सुनते हुए हमें रेगुलर किया जाए, हमारे साथ कच्चे पक्के का भेदभाव ना करके समान दृष्टिकोण से हमें देखा जाए। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार कालका शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया। व्हीकल्स की चेकिंग के दौरान जिन व्हीकल पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, कुछ मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलवा कर शरारती अनसर पटाखे बजाते हैं, उनको चेक किया गया। एसएचओ हरिराम ने 3 मोटरसाइकिल इम्पाउंड किए और 1 का चालान काटा। उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद रही। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।